वेलकम बैक टू माय चैनल रबरी। सो आज मैंने ये मेकअप अपना लुक क्रिएट किया है विद ओनली 4 मेकअप प्रोडक्ट्स, ओनली 4। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद है तो वहाँ मैं रेगुलर अपनी शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। प्लीज़ आप मुझको जाके चेक करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको किसी ब्रांड की मेकअप की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी टाइप ऑफ मेकअप होगा तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल टाइप है। इसमें आपको कोई कंसीलर नहीं, कोई प्राइमर नहीं, कोई सीरम नहीं, आप कुछ भी, कोई हाइलाइटर कुछ भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल नेचुरल मेकअप है। ये वो क्विक मेकअप है जिसको आप, अगर आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, लाइक आपको कहीं क्विकली जाना है और आपको रेडी होना है, तो आप ये मेकअप ट्राई कर सकते हो एक बार। सो ये लुक मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कहीं क्विकली जाना होता है तो मैं यही लुक इसी तरह से मेकअप करके तुरंत चली जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास उतना सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग ये बोलते हैं एंड सोचते हैं कि लड़कियाँ बहुत टाइम लेती हैं मेकअप करने में एंड बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, सो ये क्विक मेकअप है जो उन सबको रॉन्ग प्रूफ करता है, क्योंकि एकदम क्विकली हो जाता है। हम सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे इस मेकअप को करने में एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट ही लगेंगे। आप इसे कभी भी ट्राई कर सकते हो। सो ये मेकअप लुक उन गर्ल्स के लिए भी है जिन्हें ज़्यादा मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड ये उनके लिए भी जो ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ये मेकअप लुक कर सकते हो आप इजीली अपने घर पर विद ओनली 4 प्रोडक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मुझे एक हेयर बैंड लेना है ताकि मेरे हेयर पे कोई मेकअप ना लग जाए। मेकअप करने से पहले, अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो अभी विंटर्स में मेकअप करने से पहले स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए मैंने फेस अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। सो अब मैं गुलाबरी का मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। अगर आप ये इस मेकअप समर में कर रहे हो तो आपको मॉइस्चराइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर विंटर्स में कर रहे हो तो मॉइस्चराइज़र लगाना इंपॉर्टेंट है, वो आपके मेकअप को सेट कर देगा। सो अब मैं लैक्मे का ये फाउंडेशन ले रही हूँ, आप देख सकते हो। सो ये हमारा 4 प्रोडक्ट मेकअप में फर्स्ट प्रोडक्ट है। मैं ये फाउंडेशन को अपनी फिंगर टिप्स की मदद से लगाऊंगी। आप इसे एक ब्लेंडर से भी लगा सकते हो, आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे। मुझे फिंगर टिप से लगाना पसंद है इसलिए मैं इसे फिंगर्स की हेल्प से ही लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो हमारी फाउंडेशन अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है। अब मैं कलर एसेंस की ये लिपस्टिक ले रही हूँ। ये वन ऑफ द माय फेवरेट शेड है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये 80% ऑफ टाइम मैं यही शेड यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका नंबर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको इसका नंबर बता दूंगी। सो अब इस लिपस्टिक को हमें आई शेडो की तरह यूज़ करना है। सो मैं इसे हल्का हल्का सा अपनी फिंगर टिप्स पर इस तरह से लूँगी और अपनी आई लिड्स पर लगाऊंगी। सो मैंने इस लिपस्टिक को अपनी आई लिड्स पे अच्छी तरह से लगा दिया है। हमें इसे थोड़ा भी लाइट करना है तो ये इसे हम लाइट हल्के से पाउडर की हेल्प से करेंगे। सो ये मेरा 3rd प्रोडक्ट है जो कि मैं भी अपने फेस पे लगाऊंगी। ये कॉम्पैक्ट है लैक्मे का, इसे मैं भी सिर्फ अपने आई लिड्स पे हल्का सा लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा लाइट हो जाए। आप देख सकते हो हमारी आईज लिड एकदम अच्छी हो गई है, ये आई शेडो एकदम अच्छा लग रहा है। सो मैं ये काजल यूज़ करूँगी। सो अब हमारा काजल अच्छी तरह से लग चुका है। सो अब मैं इसी लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ करूँगी अपनी चीक्स पर। सो मैं एकदम स्लाइड सा लूँगी यहाँ पे और अपनी चीक्स पे एकदम स्लाइड स्लाइड लगाऊँगी और इसे अच्छी तरह से स्मज करूँगी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से स्मज कर लिया है। मैं का ये कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और अब मैं इसे अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। सो अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी।
आप देख सकते हो कि मेरा मेकअप अब एकदम रेडी है। ये बहुत सिंपल मेकअप मैंने आज किया है, तो बस मैं अपनी हेयर स्टाइल बनाऊंगी। तो अब मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन है, हेयर स्टाइल भी मैंने सिंपल बनाई है एकदम। मैं ये इयररिंग्स पहन रही हूँ। सो हमारा मेकअप एकदम ही डन है, आप देख सकते हो। सो हाय गाइस, आवर मेकअप इज डन। So I used only 4 products and created this beautiful look. आप देख सकते हो सिर्फ 4 products से आप भी ये मेकअप कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी है, इसमें आपको कोई बेसिक ट्यूटोरियल्स या फिर स्टेप बाई स्टेप देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप क्विकली अपने घर पर कभी भी कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। And you can also give me your valuable comments in my comment section. I'll surely reply to them and read your valuable comments. And for more videos, please don't forget to like, share and subscribe my channel. And thank you for watching. And agar aapko mera ye video acha laga ho to please aap mere channel ko subscribe kare.